पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर इस वक्त एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर बनखड़े के कारण चर्चा में है। समीर बनखड़े इस वक्त बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने में जुटे हैं। उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक क्रूज रेप पार्टी पर रेड के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया। आर्यन खान अब 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे। आर्यन खान के ड्रग्स केस के अलावा समीर बनखड़े दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस को भी हैंडल कर रहे हैं। पति समीर बनखड़े पर क्रांति रेडकर को गर्व है। हाल ही उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी पति के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस और देश के लिए दी कुर्बानियों के बारे में बात की। क्रांति रेडकर ने बताया कि उनके पति समीर बनखड़े बेहद मेहनती रहे हैं। वो भी पहले अपने कई बड़े ऑपरेशन और केसों को अंजाम दे चुके हैं। चूंकि इस बार वो बॉलीवुड से संबंधित ड्रग्स मामलों की जांच में लगे हैं, इसलिए ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। क्रांति रेडकर ने कहा, जब भी समीर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे होते हैं या फिर कुछ जाँच में जुटे होते हैं तो मैं उन्हें उनका पूरा स्पेस देती हूँ। मैं उनसे कभी नहीं पूछती कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनके काम की प्राइवेसी को समझती हूँ। मैं घर पर हर चीज का ध्यान रखती हूँ और इसलिए वो अपने केसों पर और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्रांति रेडकर ने आगे बताया कि उनके पति समीर बनखड़े ड्रग्स केस से जुड़ी किसी भी जांच के बारे में कुछ भी नहीं बताते। क्रांति ने कहा, कभी कभी तो वो इतने बिजी हो जाते हैं कि सो भी नहीं पाते। वो 24 घंटे काम करते हैं और बमुश्किल 2 घंटे सोते हैं। जब वो किसी केस के बारे में फोन पर बात कर रहे होते हैं तो मैं ना तो कभी दखल देती हूँ और ना ही उनमें शामिल होती हूँ। वो रोजाना ही सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। उन्हें इस बारे में फैमिली को कुछ भी बताने की परमिशन नहीं है। मैं उन्हें उनका पूरा स्पेस देती हूँ और कभी कोई शिकायत नहीं करती। क्रांति रेडकर आगे बोले, समीर एक ऐसी फील्ड में है जहाँ वो एक मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठ सकते। यहाँ तक कि घर आने के बाद भी वो फोन पर अपनी टीम के साथ ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। मैं कभी नहीं पूछती कि क्या हुआ, बताना, कैसे हुआ, क्या किया। मैं उनके काम की प्राइवेसी को मेंटेन रखती हूँ और इस प्रोफेशन की बहुत इज्जत करती हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या बच्चे घर में पापा समीर बनखड़े को मिस करते हैं तो क्रांति रेडकर ने बताया कि उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं जो 3 साल के हैं। वो कभी कभी पापा को मिस करते हैं, क्रांति ने कहा, पर समीर जानते हैं कि वो घर पर उनका ख्याल रखने और संभालने के लिए है, इसलिए वो बेफिक्र रहते हैं। वो बोली, मुझे गर्व है कि समीर देश के लिए अपनी पर्सनल लाइफ, बच्चों और फैमिली को न्यौछावर कर रहे हैं। हर रोज नए खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।